वट्स अ फैमिली कैसी हो आप लोग वेलकम बैक टू नदर गेम प्ले वीडियो सो गाइज आज की जो वीडियो है ना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आज के इस वीडियो में हम दोबारा से खेलने वाले हैं इंडियन बाइक्स ड्राइविंग थ्री डी अरे कौन भूख रहा तो so है एयरपोर्ट प्लेन वगैरह देखने को मिला था रोल्स रोइस कार फॉर्चुनर कार एंड ट्रोन बाई गाइज और साथ साथ गैस हमें न्यू होस देखने को मिला था जो की आप लोग सामने की तरफ देख ही सकते हो हमारे मतलब आपको एंड गाइज आज की जो वीडियो है ना ये भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली बिकॉज आज इस वीडियो में हम बात करने वाले उन दो सुपर बाइक्स की गाइज जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं एक तो पहले एक अपडेट में आ गई थी एक गाइज इस बार न्यू अपडेट के अंदर देखने को मिली है पहले आई थी वो है भाई कावासा की निजा एच टू आर एंड जो इस बार आई है गाइज वो है भाई ट्रोन बाइक सो गाइज उन दोनों की गाइज हम स्पीड वगैरह भी टेस्ट करने वाले एंड साथ साथ कंट्रोलर भी टेस्ट करेंगे देखेंगे भाई उन दोनों में से सबसे ज्यादा तगड़ी बाइक कौन सी है तो काफी मजा आने वाला है वीडियो में तक बने रहना जिन्होंने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो तो साथ साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर देना ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मजदार गेम प्ले के वीडियोस देखने के लिए और जितने तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया गया लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा जल्दी से जाके बाइक को फॉलो कर लो सो so, अभी फिलहाल गाइज सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पे कवासा के निंजा एच टू आर जिसका चीट कोड है भाई थ्री थाउजेंड सो गैस यहाँ पे मैं इसको डायल कर देता हूँ तो अपने सामने आ चुकी है कोवासा के निजा एच टू आर ब्लैक कलर में जो कि दिखने में ना बहुत ही ज़्यादा तगड़ी लग रही है सो so, अभी फिलहाल गैस हम निकालते हैं दूसरी बाइक को जिसका चीट कोड है सिक्स थाउजेंड तो ज़्यादा कुछ गैस उतना मेरे को डिफरेंस लगता नहीं है इन दोनों में तो देख ही लेते हैं भाई चला के तो बाकी आप लोग देख सकते हो अगर दोनों की लुक की बात की जाए ना तो भाई लुक का कोई मुकाबला नहीं है सच में लुक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया यार तो बाकी आप लोग देख सकते हो गैस ट्रोन बाइक जो है कुछ इस तरह की देखने को मिल जाती है इसके जो कलर है ना सच में मेरे को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे हैं तो बाकी गाइज अगर कोवासा की निंजा एच टू आर बाइक की बात की जाए गाइज तो इसके जो कलर है ना वो उतने ज़्यादा तगड़े नहीं है बट इसका जो डिज़ाइन है ना गाइज़ सच में ये काफ़ी ज़्यादा मस्त है यार ट्रोन बाइक का डिज़ाइन कुछ उतना ज़्यादा खास नहीं है बट इस बाइक का गाइज डिज़ाइन आप लोग एक बार देखो ये देखो आपको कितनी ज़्यादा मस्त लग रही है यार सामने से भी ना और बाकी गए इस ट्रोन बाइक जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है इसका बैक साइड का टायर वगैरह भी आप लोग देख सकते हो ये भी काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है तो अभी फिलहाल गए सबसे पहले हम चलाएँगे ट्रोन बाइक को जो कि इस बार हमें देखने को मिली है उसके बाद हम चलाएंगे गैस निंजा एच टू आर को तो अभी फिलहाल गैस ट्रोन बाइक के पास चलते हैं यहाँ पे तो इस पे गए मैं अभी बैठता हूँ तो एंड यहाँ पे गए इसको लेके निकलते हैं हम कुछ इस साइड में तो गाइज़ इसको हम सबसे पहले एक प्लेन सी रोड में लेके निकलेंगे बिकॉज इसके गायज़ सबसे पहले हम स्पीड टेस्ट करेंगे एंड उसी के साथ साथ गाइज़ इसके कंट्रोलर वगैरह भी हम टेस्ट करने वाले हैं तो गाइज़ आप लोग स्पीड देख सकते हो गैज़ स्पीड ट्रोन बाइक में मीरा काफ़ी ज़्यादा मस्त है यार सच में बहुत ही ज़्यादा तगड़ी वाली स्पीड है इसके अंदर तो बाकी अगर कंट्रोलर की बात की जाए गाइज इस बाइक के जो कंट्रोलर है ना मैं आपको एक बार ब्रेक लगा के दिखा देता हूँ तो गाइज़ इस बाइक का जो कंट्रोलर है ना वो कुछ उतने ज़्यादा हास नहीं है बिकॉज अगर आप इसको ज़्यादा स्पीड करने में ब्रेक लगाओगे ना तो ये बैक साइड से ना थोड़ी सी फिसल जाएगी तो ये कुछ गाइज़ इसके अंदर हमें दिक्कत देखने को मिल जाती है तो बाकी अगर गाइज़ इसकी स्पीड की बात की जाए तो भाई स्पीड का कोई मुकाबला नहीं है स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है बट अभी गाइज़ इसको जो टक्कर देने वाली है वो है भाई निंजा एच टू आर गाइज निजा एच टू आर को हम यहाँ पे निकालते हैं उसके पहले गाइज़ मैं आपको इसका फ्रंट का जो कैमरा एंगल है वो दिखा देता हूँ गाइज़ इसका जो स्पीडोमीटर है यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं है बाकी आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह का हमें इसका कैमरा एंगल देखने को मिल जाता है तो काफ़ी ज़्यादा मस्त है यार आप लोग देख सकते हो तो अभी फिलहाल गाइज़ इस बाइक को हम लगाते हैं कुछ इस साइड में तो अभी आप लोग गाइज़ ये देखो ये देखो यार कंट्रोलर मेरे हिसाब से ना कुछ उतने ज़्यादा हास नहीं है इस बाइक के यार ब्रेक लगाने पर ना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत क्रिएट हो जाती है तो अभी फिलहाल गाइज हम इस बाइक से उतर चुके हैं एंड यहाँ पे गैज़ हम टेस्ट करने वाले हैं निंजा एच टू आर को तो उसका गैज़ मैं एक बार दोबारा से चीट को डायल कर देता हूँ कर देता हूँ बिकॉज इस बार ना गाइज हम काफ़ी ज़्यादा दूर आ चुके हैं तो दोबारा हम वहाँ पे जा नहीं सकते तो इसलिए गैज मैं यहीं पे बाइक को मंगवा लेता हूँ तो गाइज़ अभी फिलहाल अपनी जो बाइक है वो यहाँ पे आ चुकी है तो आप लोग देख सकते हो तो भाई कुछ ये रही भाई अपनी निंजा एच टू आर तो आप लोग देख सकते हो गैस साइड की जो लुक है ना कुछ इस तरह की देखने को मिल जाती है फ्रंट की लुक कुछ इस तरह की है यार लुक के मामले में ना मैंने पहले भी बोला बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है गाइज़ आप लोग देखो बहुत ही ज़्यादा तगड़ी बाइक है एंड अगर इसके बैक साइड के टायर की बात की जाए गैज तो टायर जो है ना ट्रोन बाइक के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा छोटा है तो अभी फ़िलहाल गैज़ हम चलते हैं कुछ इस साइड में बिकॉज ये वाली रोड जो है ना काफ़ी ज़्यादा गैज जो है हमें सीधी देखने को मिल जाती है तो अभी गैज़ आप लोग देख सकते हो इसकी जो स्पीड है ना वो ट्रोन बाइक की स्पीड से मेरे को थोड़ी सी कम लगती है यार आप लोग देखो ट्रोन बाइक अगर एक्सीलेटर पर फिंगर रखें तो ट्रोन बाइक काफ़ी ज़्यादा दूर चली जाती है बिकॉज उसमें काफ़ी ज़्यादा स्पीड है तो इस बाइक की अगर बात की जाए तो गाइज़ रियल लाइफ में ना ये बाइक सबसे ज़्यादा पावरफुल मानी जाती है बट इस गेम में गाइज इस बाइक में ट्रोन बाइक के मुकाबले थोड़ी सी कम स्पीड है अगर गैज इसके फ्रंट के कैमरा एंगल की बात की जाए तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो गैज़ इसके जो स्पीडोमीटर है ना काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहे हैं जो कि ट्रॉन बाइक के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलते है। तो बाकी गाइज़ इसका जो फ्रंट का कैमरा एंगल है ये भी काफ़ी ज़्यादा मस्त है एक रियल वाली फील देता है चलाने में आप लोग देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मस्त है तो बाकी गाइज अगर इसके कंट्रोलर की बात की जाए तो एक बार मैं इसको काफ़ी तगड़ी वाली स्पीड में पहुँचाता हूँ फिर उसके बाद गैज इसको ब्रेक लगाते हैं तो आप लोग देख सकते हो गैज़ मैंने आग पर फिंगर रखी हुई है तो स्पीड इसकी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है तो अगर इसके कंट्रोलर की बात की जाए तो ब्रेक पर क्लिक करने से ये देखो भाई साहब गाइज़ इसके जो कंट्रोलर है ना वो ट्रोन बाइक से काफ़ी गुना अच्छे हैं बिकॉज ट्रोन बाइक को ब्रेक लगाने में ना गाइज़ एक सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है गाइज़ वो जो बाइक है ना वो अगर कम स्पीड में भी होगी ना तभी आप लोग अगर उसको ब्रेक लगाओगे तो वो बाइक गैज़ काफ़ी ज़्यादा फिसल जाएगी बैक साइड से तो अगर इस बाइक को अगर ज़्यादा स्पीड करने पर भी अगर आप ब्रेक लगाते हो ना तो गाइज उतनी ज़्यादा नहीं फिसलती आप लोग देखो अगर फिसलती भी है ना तो कम फिसलेगी बट ब्रेक एकदम से लगेगी झटके से ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव कंट्रोलर इस बाइक के तो अभी गाइज इस बाइक को लगाते हैं साइड में सो गाइज़ अगर दोनों बाइक की पावर की बात की जाए तो भाई पावर के मामले में जो विनर है गाइज़ वो है ट्रोन बाइक एंड अगर कंट्रोलर की बात की जाए कंट्रोलर के मामले में विनर है निन्जा एच टू आर एंड अगर लुक की बात की जाए तो भाई लुक के मामले में भी विनर है एच टू आर एंड अगर गाइज़ कलर वगैरह के मामले में बात की जाए तो भाई कलर ट्रोन बाइक का थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है तो बाकी गाइज़ अगर इसके फ्रंट के कैमरा एंगल की बात की जाए तो वो तो भाई आप लोग ने जैसा देख ही लिया गाइज़ मैंने पहले ही बोला कि वो गाइज़ निंजा एच टू आर का, का काफ़ी ज़्यादा मस्त है बिकॉज इसके अंदर हमें स्पीड वगैरह भी देखने को मिलती है एंड हैंडल का पूरा का पूरा व्यू हमें देखने को मिल जाता है एक रियल वाली फील देता है तो गाइज फाइनल जो रिजल्ट है वो ये निकल के आए भाई दोनों बाइक ना किसी से कम नहीं है बहुत ही ज़्यादा तगड़ी है अगर एक में एक चीज कम है तो दूसरी में थोड़ी सी ज्यादा होगी या फिर दूसरी में थोड़ी सी कम है बट इसमें थोड़ी सी ज़्यादा होगी तो गाइज ये जो चीज़ें ना ये काफ़ी ज़्यादा मस्त है मतलब दोनों बाइक बहुत ही ज्यादा तगड़ी हैं तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना और मैं मिलता आपसे किसी ऐसी इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए